आपका एक बार फिर से इस्तकबाल है, आपका स्वागत है। पूरी दुनिया में जो है ईद उल फितर की नमाज अदा की जा रही है। इस वक्त हमारा जो है टीम हमारी नवोदय प्लस टाइम्स की खड़ी हुई है झांसी जनपद का जो है बबीना ब्लॉक में, और यहाँ बबीना की ईदगाह में आप साफ देख सकते हैं पुलिस प्रशासन काफ़ी मुस्तैदी से लगा हुआ है, और साथ ही साथ लोकसभा के चुनाव के मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर अर्धसैनिक बल की टुकड़ी भी जो है साथ में खड़ी हुई है। यहाँ के जो अरुण कुमार जो है थानाध्यक्ष हैं बबीना के, वो लगातार जो है सुबह से ही उन्होंने जो है 7:30 बजे अपने यहाँ पर टीम को यहाँ इकट्ठा कर लिया था, और जो है इंतज़ाम अगर देखा जाए, सुरक्षा के अगर इंतज़ाम देखा जाए तो बड़े पुख्ता इंतज़ाम यहाँ पर किए गए हैं। अर्धसैनिक बल की टुकड़ी यहाँ पर आप पीछे आप साफ देख सकते हैं, यहाँ से बाहर से जो है लोकसभा 2024 के चुनाव है उनकी सुरक्षा को देखते हुए उसको मद्देनजर रखते हुए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, और इन इंतज़ामों के साथ साथ बड़े ही सुकून और इत्मीनान के साथ जो है ईद उल फितर की नमाज यहाँ पर जो अदा की गई है बड़े अहतमाम और प्यार मोहब्बत के साथ। साथ ही साथ पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ जो है जितने जो मिलने वाले हैं जितने मुस्लिम भाई हैं एक दूसरे से जो गले मिलके जो है एक दूसरे से गले मिल रहा है। आपको बता दें कि एक महीने जो है रमज़ान शरीफ के महीने के रोज़े रोज़दारों ने रखे हैं, और इनाम के तौर पर जो है खुदा बंदे करीम ने इनको जो है ईद उल फितर की नमाज़ इनाम के तौर पर इनको जो है नवाजी है, और इन्होंने बड़े शांति के साथ जो है नमाज अदा की गई है, और मुल्क के जो है अमन शांति मोहब्बत और देश की तरक्की के लिए दुआएँ मांगी गई हैं। इस वक्त जो है बबीना की ईदगाह में मौजूद हैं, और पीछे जो है यहाँ के जो पेश इमाम हैं यहाँ के मस्जिद के जो सदर हैं सबके सब जो है एक दूसरे से जो है मुनाका कर रहे हैं, गले मिल रहे हैं, और आप साफ तौर पर देख सकते हैं यहाँ के पेश इमाम जो हैं उनसे हम बात कराते हैं आपकी जो है, और उनको इस ईद उल फितर की नमाज़ में उन्होंने जो है क्या वतन की अगर देखा जाए तो क्या आपने जो है तरक्की के लिए दुआएं। और आपको बता दें कि बबीना के अंदर जो है आज हम लोग यहाँ पर ईदगाह में खड़े हुए हैं, और यहाँ ईद उल फितर की नमाज़ जो है मुफ्ती मौलाना फरहान साहब ने यहाँ पर अदा कराई है, और इसी दौर में देखा जाए तो यहाँ पर बिलाल मस्जिद में जो है रियाजुल इस्लाम साहब ने जो है नमाज़ अदा कराई है, और इस वक्त हम खड़े हुए हैं ईदगाह जो बबीना की ईदगाह है वहाँ हम खड़े हुए हैं, और सीधे तौर पर आपको जो है रूबरू कराते हैं यहाँ के पेश इमाम साहब से। पेश इमाम साहब, ये मुल्क जो है देखा जाए तो पूरा मुल्क इस वक्त जो है ईदगाह की नमाज़ अदा कर रहा है उस खुदा बंदे करीम के जो है उसके एहसान के को जो है अदा करने के लिए, उसका शुक्र जो अदा करने के लिए यहाँ नमाज़ अदा की गई है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं बबीना मुस्लिम समाज की तरफ से बबीना बस्ती वालों को, पूरे देश वालों को ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। हम लोगों ने माशाल्लाह अभी ईद की नमाज़ अदा की है बहुत शांति के साथ में, बहुत सुकून के साथ में हमने ये ईद की नमाज़ अदा की, और इसमें हमारे प्रशासन का भी बहुत साथ रहा, उन्होंने हमारा सपोर्ट किया, जिसकी वजह से हमने शांति और अमन के साथ में ईद की नमाज़ अदा की है। अब मैं आपके चैनल के माध्यम से यही पैगाम देना चाहता हूँ पूरे देश वालों को कि अपने देश में अमन और शांति का माहौल पैदा करें। ये ईद का त्यौहार है, इसमें एक दूसरे के गले मिलें, खुशियाँ बांटें, एक दूसरे को खुशियाँ बांटें और एक दूसरे के काम आएं, ज़रूरतों को पूरा करें एक दूसरे की, हिंदू और मुस्लिम सब एक दूसरे से गले मिलें, भाईचारगी के साथ पेश आएं, इसलिए कि हमारा दीन हमें यही दर्श देता है कि आपस में एक दूसरे से भाईचारगी के साथ रहना चाहिए। और क्यों ना रहें, कि शाइन ने कहा था कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई, माशाल्लाह यही भाईचारा हमें हमारी बस्ती में, चाहे किसी का भी त्यौहार हो, हर त्यौहार में यही भाईचारा हमें देखने को मिलता है, और मैं आगे भी यही उम्मीद करता हूं कि इसी तरीके से शांति के साथ और भाईचारे के साथ हम सारे त्यौहारों को मनाते रहेंगे इंशाअल्लाह। भी मौजूद हजरात जो है बस्ती के यहाँ मौजूद है, आपको हम उनसे रूबरू कराएंगे, क्या कहना चाहेंगे इस ईद उल फितर के मौके पर आप? पहले तो मैं आप चैनल वालों को और सभी हाजरात जो यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं उनको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जिस तरह से पूरे रमज़ान भर और इधर ईदगाह में आकर जिस बढ़ चढ़ के सब भाइयों ने, पूरी बस्ती ने एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर जिस तरह से दीन इस्लाम को आगे बढ़ाया है, इंशाअल्लाह मैं कोशिश करता हूँ और दुआ करता हूँ रब्बिल आलमीन से कि इसी तरह ही हर मुल्क में और हमारी बस्ती में हर मोमिन इसी तरह बढ़ चढ़ कर अपने दीन पर और अपने देश पर आगे बढ़ता रहे और एक दूसरे का हाथ से हाथ बटाता रहे। एक और मौजूद हजरात से आपकी जो है मुलाकात कराते हैं, क्या कहना चाहेंगे ईद उल फितर के मौके पर? भाई, सबसे पहले तो मैं पूरी बबीना बस्ती की तरफ से जी
ईद उल फितर की सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूं। दूसरा, हमारे यहां जो पुलिस प्रशासन ने हमारे थाना अध्यक्ष महोदय जी, LIU के अधिकारी और हमारे मान लो कैंट के अधिकारी, बिजली विभाग के अधिकारी, मैं सभी अधिकारी और कर्मचारी सबको दिली ईद की मुबारकबाद देना चाहता हूं और पूरे देश के लिए ये अमन चैन का सबसे खुशहाली का दिन है। और हमारा दिन जाति नहीं सिखाता है, हमारा दिन अपने पड़ोस का सहयोग करें, पड़ोसी का सहयोग करें, पड़ोसी माने किसी भी समाज का हो। हम सभी मुस्लिम समाज की तरफ से, पूरी बबीना बस्ती की तरफ से सभी भाइयों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। नवोदय प्लस टाइम्स पे आप लगातार देख रहे हैं खबरों का सिलसिला और हम लोग जो है इस वक्त जो है बबीना मस्जिद के जो हमारे सदर हैं जामा मस्जिद के, यूसुफ राइन साहब, उनसे रूबरू कराएंगे आपको, उनसे जानेंगे। राइन साहब, पूरे महीने जो है रोज़दारों ने रोज़े रखे, 30 रोज़े पूरे रखे और अल्लाह ताला ने जो है इनाम के तौर पर जो है ईद उल फितर की नमाज़ अदा कराई यहाँ पर। प्रशासन और यहाँ जितने लोग सहयोगी लोग हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं सबको ईद की मुबारकबाद देता हूँ। जी जी। और प्रशासन ने बहुत सहयोग किया हमारा, हर तरह सहयोग किया प्रशासन ने। जी जी। उनका भी मतलब बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ठीक है, ये यूसुफ राइन साहब क्या है, ये सदर साहब की ये खासियत है, ये कम शब्दों में अपनी बातों को जो है रख देते हैं और इन्होंने पूरी तरीके से जो है प्रशासन का यहाँ जिन जिन का भी सहयोग रहा है ईद उल फितर की नमाज अदा कराने में, सबको उन्होंने जो है आभार व्यक्त किया। आप साहब देख सकते हैं कि ईदगाह में जो है मौजूद हजरात यहाँ मौजूद हैं और साथ ही साथ यहाँ के जो थाना अध्यक्ष जो है अरुण कुमार तिवारी जी यहाँ मौजूद हैं और वो जो है यहाँ के पेश इमाम साहब को, यहाँ के जो मस्जिद के सदर हैं, पूरी बस्ती को जो है यहाँ पर जो है बधाई देने के लिए, उनको ईद उल फितर की जो है मुबारकबाद देने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। आप लगातार जो है नवोदय प्लस टाइम्स पे बने रहिएगा और नवोदय प्लस टाइम्स की जो खबरें हैं, हम लोग जो है सामाजिक, धार्मिक, क्राइम, हर क्षेत्र की खबरें जो है आप लोगों को दिखाने की कोशिश करते हैं और नवोदय प्लस टाइम इस वक्त जो है बबीना मस्जिद की जो ईदगाह है, ईदगाह पे हम लोग जहां मौजूद हैं और लगातार जो है हम लोगों का ये प्रयास रहता है कि कोई भी खबर हो हम लोगों को नवोदय प्लस टाइम इसको दिखाने से जो है पीछे ना हटे। आप नवोदय प्लस टाइम के साथ बने रहिएगा, देखते रहिएगा नवोदय प्लस टाइम्स। मैं शाहिद खान, हमारे संपादक मोहम्मद हनीफ के साथ। आपको बता दें कि इस वक्त जो है हमारी टीम यहाँ बबीना मस्जिद, बबीना का जो कब्रिस्तान है, बबीना के कब्रिस्तान पर जो है अपने बुज़ुर्गों की मगफरत के लिए जो है कब्रिस्तान में अपनों को याद करते हुए यहाँ पर उनकी कब्रों पर जो है फातहा खाने के लिए यहाँ मौजूद हैं। मैं पूरा नज़ारा आपको जो है अपने कैमरामैन से कहना चाहूँगा वो दिखाएँ। आपको बता दें कि ईद की नमाज़ के बाद जो है जितने भी मुस्लिम भाई हैं वो कब्रिस्तान पर जो है सुकवा डुकवा रोड पर ये कब्रिस्तान है और ये पूरा नज़ारा मैं दिखाना चाहूँगा कि उनकी मगफरत के लिए जो अपने इनको छोड़ के चले गए दुनिया से, जो खैराबाद कह के गए हैं, उनकी बख्शिश के लिए, जो दुआओं के लिए यहाँ पर जो है उस रब से जो है दरख्वास्त करने के लिए आए हैं, उसकी बारगाह में जो है उसके उसके सामने जो है हाथों को अपने पसारे हुए जो दुआ के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। पूरा जो है कब्रिस्तान के अंदर देखें, कब्रिस्तान की कब्रों को भी आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा रंगों रोगन के साथ कब्रिस्तानों को की कब्रों को जो चमका दिया गया है और अपनों के बीच जो है वो यहाँ मौजूद हैं। आप साफ देख सकते हैं कि कितना जो है रश यहाँ पर जो है नमाज के बाद तमामी जो है अपनों के बीच यहाँ पर उनको बख्शवाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं।